तो लग रहे हैं ना बिल्कुल कॉफ़ी बीन्स के जैसे, जैसे कि कॉफ़ी बीन्स लगते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कॉफ़ी बीन्स कुकीज़ की रेसिपी, जो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। वीडियो को एंड तक देखिए, होपफुली आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे ज़रूर बनाएंगे। रेसिपी कैसी लगी है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सो आइए कॉफ़ी बीन्स कुकीज़ बनाना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने आधा कप बटर, और ये बटर का कलर इसलिए ऐसे है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर मिक्स हो गया है, दैट्स वाई। और मुझे कॉफ़ी बीन्स कुकीज़ बनाना था इसलिए मैं इसे भी यूज़ कर ले रही हूँ, क्योंकि हम बाद में इसमें कोको पाउडर वैसे भी ऐड करेंगे। तो रूम टेम्परेचर पर हमें बटर को लेना है और इसे अच्छे से बीट कर लेना है, एकदम फ्लफ़ी होने तक, इसका कलर चेंज होने तक, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये बहुत सॉफ्ट हो गया है। इस तरीके से साइड्स को ज़रूर क्लियर करते रहेंगे, उसके बाद बीट करेंगे, जिससे जो साइड्स में जो बटर लग जाता है ना वो भी अच्छे से बीट हो जाए। तो करीब 2 से 4 मिनट हमें इसे बीट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जब तक ये इस कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है आधा कप पाउडर शुगर, और अभी मैंने इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ऐड किया था, यानी कि 1/4 स्पून। और अब मैंने यहाँ ऐड कर दिया है कोको पाउडर 2 से 3 चम्मच। बहुत ज़्यादा कोको पाउडर मत डालिए, अदरवाइज़ कुकीज़ ना थोड़े से कड़वे हो जाएंगे। और इस तरीके से साइड्स को क्लियर करते हुए हमें शुगर, कॉफ़ी पाउडर, कोको पाउडर, इन सभी चीज़ों को बटर के साथ अच्छे से बीट करना है, जिससे ये जो पेस्ट है वो बहुत ही लाइट हो जाए, बहुत ही फ्लफ़ी हो जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी को डाइल्यूट करके डाला है पानी में, यानी कि 1/4 स्पून। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 कप मैदा, छान कर मैदा यूज़ करना है। और अब हम इसे हाथों से इस तरीके से पहले हम स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसे हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। कुकीज़ का डो जब भी हम बनाते हैं हमें आटे की तरह उसे नहीं गूंदना होता है, बहुत ही हल्के हाथों से हमें उसे गूंदना होता है, यानी कि मिक्स करना होता है। तो देखिए स्पैचुला से ये सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं, अब हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे। बस हमें इकट्ठा करना है ये जो डो है, इसे हमें इकट्ठा करना है सारी चीज़ें मिक्स करते हुए। और आप इसे माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं, आप इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। कढ़ाई में बेकिंग कैसे करनी है वो वीडियोस पहले से मेरे चैनल पर हैं, आप विज़िट कर सकते हैं, पर हम इसे बनाने वाले हैं माइक्रोवेव में। तो ये देखिए इसका डो कम्प्लीटली रेडी हो गया है। और बेकिंग ट्रे को मैंने रेडी कर लिया है बटर पेपर लगाकर, और अब हम इसके कुकीज़ बनाएंगे। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करिए। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े छोटे छोटे इस तरीके से टुकड़े हम इसके तोड़ लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं जिस तरीके से कॉफ़ी बीन्स का साइज़ होता है कुछ उसी तरीके से हमें बनाना है, बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाने हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे हाथों से रोल कर लिया है, तो इसी तरीके से सारे कॉफ़ी बीन्स को मैं शेप दे दूंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का शेप मैंने दे दिया है, अब हमें इन्हें कॉफ़ी बीन्स की तरह बिल्कुल दिखाना है। तो यहाँ मैंने ले लिया है स्पून, इसके लिए हमें नाइफ़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, स्पून ही यूज़ करना है, क्योंकि स्पून का जो ये लाइन होता है वो थोड़ा सा थिक होता है। तो इस तरीके से इसमें सेंटर में हमें हल्के से कट लगाना है, बहुत हल्के से प्रेस करना है, जिससे बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत अंदर तक नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये टूट जाएगा जब बेक होगा, तो ये पूरी तरीके से क्रैक हो जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इस तरीके से प्रेस करना है स्पून से। तो लग रहे हैं ना बिल्कुल कॉफ़ी बीन्स के जैसे।
तो इस तरीके से मैं सारे कुकीज़ को रेडी कर लूँगी। और माइक्रोवेव को मैंने कर दिया है प्री हीट 180 डिग्री पर 5 to 7 मिनट्स के लिए। और अब हम इन्हें रखेंगे बेक करने के लिए 170 डिग्री पर 12 to 13 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए कुकीज़ बेक हो गए हैं और जो हमने कट्स लगाए थे वो बिल्कुल प्रॉपर हैं, क्योंकि बेक होने के बाद थोड़े से कुकीज़ फूलते हैं इसलिए। और मेक श्योर आप मैंने इसमें कोई भी सोडा या बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं किया है, उनके बिना भी हम कुकीज़ को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसे रखेंगे हम नेट पर जिससे ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। और ये पूरी तरीके से ठंडे हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से बेक हो गए हैं। तो ज़रूर इन्जॉय करिए, बनाइए कॉफ़ी बीन्स कुकीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।